hey guys, what is up people? Welcome back and again with a new video. हम लोग जब अपने पिक्चर एडिट करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो काम रहती है वो रहता है लाइट को एडजस्ट करना। अगर तुम्हें लाइट एडजस्ट करना आता है तो तुम अपने ऐसे पिक्चर को ऐसा भी बना सकते हो। सही लाइट एडजस्ट करने से तुम अपने पिक्चर में किसी भी तरीके का टोन डाल सकते हो। ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे लाइट एडजस्ट करना, देखते हैं किस तरीके से हम लोग लाइट एडजस्ट करते हैं। लेट्स गो। लाइटरूम एप्लीकेशन में हमने अपने पिक्चर को ओपन किया है, लाइट वाले पैनल पे चलते हैं, देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले लाइट के अंदर आ जाए तुम लोग एक्सपोजर, तो एक्सपोजर को अगर तुम लोग बढ़ाते हो तो तुम्हारे पिक्चर में रोशनी आ जाती है, जहाँ जहाँ तुम्हें नीड है वहाँ आ जाएगी, और इसे घटाओगे तो वहाँ से तुम्हारी जितनी भी रोशनी सब डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि तुम्हारे पिक्चर से जितनी भी रोशनी सब चले जाएगी। तो इसे तुम लोग अपने हिसाब से देख करके तुम्हें घटाना बढ़ाना पड़ेगा। तो ये था हम लोग का एक्सपोजर। हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रास्ट पे, तो कॉन्ट्रास्ट क्या, अगर तुम्हारी पिक्चर जहाँ पे फीकी रहती है, जहाँ पे फेड सट लुक रहता है, वहाँ पे तुम अगर कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाओगे तो वहाँ पे तुम्हारी कॉन्ट्रास्ट जो पूरे पिक्चर के अंदर एक डार्क सट टोन डालेगी और तुम्हारे लाइट को पूरी तरीके से एडजस्ट करेगी वो। जैसे कि मैंने इसको बढ़ाया तो देखो जो डार्क एरिया उसको डार्क और कर रही है, और इसे मैंने कम कर दिया जो डार्क एरिया उसको लाइट कर दे रही है, फेड कर दे रही है। तो ये काम है कॉन्ट्रास्ट का, तुम लोग अपने पिक्चर के हिसाब से इसे घटा बढ़ा सकते हो। हम लोग आते हैं हाईलाइट्स पे, तो हाईलाइट्स क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखो जो एरिया तुम लोग का हाईलाइट्स है, जैसे कि मेरे पिक्चर के अंदर ये एरिया हाईलाइट्स है, तो इसको मैं घटाऊंगा तो इसकी डिटेल वापस आ जाएगी, और अगर मैंने इसे बढ़ाया तो इसकी जो एरिया हाईलाइट है वो और ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। तो यह हाईलाइट्स का काम है। अगर तुम्हारे पिक्चर के अंदर किसी एरिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट है तो उसको तुम लोग माइनस करोगे तो वो एरिया की डिटेल जो है वापस आ जाएगी। अगर तुम लोग उसे बढ़ाते हो तो एरिया और भी ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। ओके, तो अब आते हैं हम लोग शैडो पे। जो एरिया तुम्हारे पिक्चर के अंदर बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस है उस जगह की डिटेल को वापस लाने में, जैसे कि इस पिक्चर में देखो यहाँ पे साइड में बहुत ही ज़्यादा डार्क हो करके, अगर मैं इसे हाईलाइट्स को बढ़ाता हूँ देखो उस एरिया की डिटेल वापस आ गई। तो डिटेल वापस लाने का काम करता है शैडो। अगर तुम लोग शैडो को बढ़ाते हो तो वो डिटेल वापस ले जाता है, अगर तुम लोग घटाते हो तो जो डार्क एरिया उसको और भी ज़्यादा डार्क कर देता है। उसके बाद है वाइट। तो वाइट क्या काम करता है, जैसे कि तुम्हारे पिक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा एरिया वाइट होगा तो उस वाइट को वो और भी ज़्यादा हाईलाइट करेगा, अगर प्लस करोगे तो, अगर वाइट को माइनस करोगे तो वो एरिया को पूरा डार्क करेगा। सेम काम ब्लैक जो नीचे उसका भी यही काम। आई होप कि तुम लोग लाइट एडजस्ट करना सीख गए होगे, कैसे मैंने लाइट एडजस्ट किया, हर एक एक्सपोजर से लेकर के ब्लैक तक तुम लोगों को मैंने बताया कैसे तुम लोग लाइट एडजस्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे किसी मस्ती वीडियो में, तब तक के लिए हंसते खेलते खाते पीते रहो। आई लव यू।